नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008.
सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की 28 अप्रैल 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की 28 अप्रैल 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की 28 अप्रैल 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल,
क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. द फिल्म वॉज रिलीज फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को
यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters
on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस movie के कुछ और की point देख लेते हैं. Release date है movie की April 28, 2008. Running time है 111 minutes. Country United States. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस movie के कुछ और की point देख लेते हैं. Release date है movie की April 28, 2008. Running time है 111 minutes. Country United States. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि
जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ ओहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ ओहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ ओहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन।
एडिटेड बाय विलियम कीर, सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यही ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस movie के कुछ और की point देख लेते हैं। Release date है movie की April 28, 2008। Running time है 111 minutes। Country United States। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर, सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यही ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर, सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यही ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन
इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई द फिल्म वॉज रिलीज फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की April 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की April 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later
ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू
एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. द फिल्म वॉज रिलीज फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई. The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद
इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई।
द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है
फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ ओहू आइसलैंड इन हवाई. द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल. फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ ओहू आइसलैंड इन हवाई. द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन. एडिटेड बाय विलियम कीर. सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल. फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड. द फिल्म विच वॉज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वॉज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स. फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ ओहू आइसलैंड इन हवाई. द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं. रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008. रनिंग टाइम है 111 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 30 मिलियन. बॉक्स ऑफिस
105.8 मिलियन, एडिटेड बाय विलियम कीर, सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यही ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यही ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यही ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रैंड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन
इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज्ड फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की April 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की April 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। फॉरगेटिंग सारा मार्शल जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later
ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू, एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वाज रिटन बाय सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाय जुड अपोटो वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग है, सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू,
एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। द फिल्म वॉज रिलीज फॉर नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स ऑन अप्रैल 18, 2008 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम अ वीक लेटर ऑन अप्रैल 25, 2008। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, जो कि 2008 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाई निकोलस स्टॉलर इन हिज फीचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड स्टारिंग जेसन सेगल, क्रिस्टन बेल, मिला कुनिस एंड रसेल ब्रांड। द फिल्म विच वॉज रिटन बाई सेगल एंड को प्रोड्यूस्ड बाई जुड अपोटो वॉज रिलीज बाई यूनिवर्सल पिक्चर्स। फिल्मिंग बिगेन इन अप्रैल 2007 एट द टर्टल बे रिजॉर्ट ऑन द नॉर्थ शोरे ऑफ आहू आइसलैंड इन हवाई। The film was released for North American theaters on April 18, 2008 and in the United Kingdom a week later on April 25, 2008. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट है मूवी की अप्रैल 28, 2008। रनिंग टाइम है 111 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 105.8 मिलियन। एडिटेड बाय विलियम कीर। सिनेमेटोग्राफी स्टारिंग ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद
इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।